नमस्कार, मैं साक्षी सहानी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है समाज उद्धान मुद्दों की। इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता यूकेडी से विजय कुमार बुड़ाई जी मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, जो मुहिम आईपा द्वारा चलाई गई है जिसमें हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, इससे आप क्या समझते हैं और क्या क्या आपको मुद्दे लगते हैं कि प्रगतिशील राजनीति का हिस्सा होने चाहिए? बहुत सराहनीय कार्य है आपका और इसकी आज के समय में और ज्यादा महत्ता है, क्योंकि जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने अपने एजेंडा ये गलत दिशा में चले गए हैं। केवल सत्ता हत्याना से मतलब हो गया है और जनता की जो वास्तविक जो जरूरतें हैं उन पर ध्यान देने की वो उनका ध्यान नहीं है। इसलिए आईपा इस प्रकार का जो संगठन है और इस प्रकार की जो मुहिम चला रहा है, ये मैं निसंदेह बहुत बढ़िया मुहिम है और इससे जनता समझेगी कि वास्तव में किसको वोट देना है। तो बहुत अच्छा प्रयास। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि जब अब चुनाव आने वाले हैं तो तमाम राजनीतिक दल कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि डेवलपमेंट की बात चुनाव में कहीं ना कहीं होनी चाहिए लेकिन विकास की बात होती हुई नजर नहीं आती। हम सुनते हैं बहुत दफा कि ऐसे मुद्दे उठते हैं धर्म, जाति, कस्बा, समुदाय, जबकि सरासर गलत है। कितना गलत मानते हैं इस चीज को आप? बिल्कुल गलत है और जो राजनीतिक पार्टी आज सत्ता में है वो इसको और ज्यादा प्रचारित करिए, जबकि होना ये चाहिए था कि आप जो भुखमरी है, जो गरीबी है, जो शिक्षा अशिक्षा है, हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य बेहतर नहीं, इन सब पर काम करना होता। लेकिन जब राजनीति एजेंडा ये बना दिया है कि साहब हमें केवल सत्ता हत्यानी है और जाति धर्म में बांट के और सत्ता प्राप्त कर लो, तो ये एक बहुत गलत प्रथा चल रही है जिसको हमने सोचा था कि आने वाले समय में हम लोग और बेहतर, इतना एडवांस होने के साथ साथ हम यदि बेहतर और लोकतंत्र की ओर जाएं, लेकिन ये जो विकृतियां हमारे लोकतंत्र में आए हैं ये निसंदेह दूर होनी चाहिए। मूल प्रश्न जो है वो रहने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं, उनकी बात नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ी हमें कमी देखने को मिल रही है। और ढंग से काम करने वाला व्यक्ति है तो वो क्या है कि वो चाहता है कि उसमें काम करे और उसको वोट भी मिलता है। ये भी देखा है हमने कि उनको बेहतर लोगों को जो समाज में अपने काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं उनको, लेकिन उनकी संख्या कम है, तो लिहाजा उसको मोटिवेट करने के लिए आपका ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। सर एक सवाल मेरा ये है, पेशे से आप एडवोकेट हैं और ये सवाल कहीं ना कहीं बनता है क्योंकि तमाम जो दल हैं वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, जबकि हम साफ तौर पे देख सकते हैं नामात्र कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो हैं वो लोकतांत्रिक रह चुके हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रणाली में हम लोग रह रहे हैं, दलों को अपने जो लोकतंत्र आंतरिक लोकतंत्र भी रहना चाहिए, लेकिन मैं बात करते हैं जैसे भाजपा बहुत बड़ी बड़ी बात करती कि हम हमारे यहाँ लोकतंत्र, वहाँ आंतरिक लोकतंत्र और भी कम है बजाय कांग्रेस के। कांग्रेस में फिर भी लोकतंत्र दिखाई देगा आपको, यदि देखेंगे तो वहाँ लोकतंत्र मिलेगा, भाजपा में इस लोकतंत्र की बहुत कमी है। आज आप यदि उत्तराखंड में भाजपा जैसा जो संगठन आपने देखा कि तीन तीन मुख्यमंत्री बदले, पता नहीं कितने फैसले उनने जो लिए थे 5 साल में वो वापस लेने पड़े, उसका जो महत्वपूर्ण कारण है कि वहां लोकतंत्र के हिसाब से जो नेता है उनको नहीं बिठाया गया, जिसका परिणाम जनता भुगतती है। तो यदि लोकतंत्र के हिसाब से जो मजबूत लोग आएंगे, समझदार लोग आएंगे, वो लोग यदि आएंगे आगे तो उनको मौका मिलेगा, लेकिन पैर छूने वाली यानी कि जो आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं मिल रहा है, वो लोग सत्ता पर काबिज हो जाते हैं किसी अन्य माध्यम से, तो वहां पर जनता के साथ वो न्याय नहीं हो पा रहा। तो ये मैंने देखा है। तो यदि हम उत्तराखंड क्रांति दल जैसे एक छोटा सा दल है, क्षेत्रीय दल है, लेकिन अवधारणा ये है कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, जो आंतरिक लोकतंत्र है हम उसको भी बजा के हम रखे हुए हैं अभी तक और आज का भी यह प्रयास जारी रहेगा। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं सही कहा आपने कि उत्तराखंड की जनता के साथ अन्याय जो है लंबे समय से होता आया है। 21 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया है लेकिन हर चीज जो है उत्तराखंड हर किसी को देता है। बिजली उत्तराखंड आपको देता है, जो अच्छी इन्वायरमेंट है वो उत्तराखंड आपको देता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्तराखंड आपको देता है, लेकिन बावजूद इसके उत्तराखंड को क्या मिलता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। यहाँ पे ना रोजगार की कोई अच्छी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, महंगाई का स्तर ऊंचा देखने को मिलता है, हम देखते हैं जो डिफॉरेस्टेशन होते हैं उससे कहीं
कि लोगों के गांव उजड़ जाते हैं, इसको कितना गलत मानते हैं सर? मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है छोटा प्रदेश है और इस प्रदेश की एक भौगोलिक प्रदेश भी अलग है क्योंकि ज्यादातर पहाड़ी इलाका है, यहाँ की जरूरतें अलग है। तो नेशनल पार्टी जितने भी हैं वो यहाँ की जरूरतों के हिसाब से यहाँ की नीति नहीं बना पाए हैं। उनका एक राष्ट्रीय एजेंडा होता है, राष्ट्रीय एजेंडा पर छोटा सा प्रदेश है उसके लिए बहुत गौड़ा, लेकिन क्षेत्रीय दल यदि यहाँ मजबूत होता है तो निश्चित रूप से वो यहाँ की जल जंगल जमीन और तमाम जो सरोकार है यहाँ के उनसे वाकिफ रहता है और उनको दूर करने का प्रयास करता है। आज तक यही कारण रहा है कि वो चीज नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि बिजली पानी इन सब चीजों में यहाँ यहाँ के लोगों को मिलना चाहते हैं। यहाँ का पानी डैम बना हमारे केवल 12% रॉयल्टी मिलती है, आप लगा लीजिए कि आप कितना अन्याय इस प्रदेश के साथ हो रहा है। हम लोग यहाँ जैसे फल प्रदेश बना सकते थे उसके लिए एक बढ़िया नीति नहीं बना पाए हैं। आज देख लीजिए कि यही जो हमारे जो नेता हैं रीजनल पार्टी के होते, दिल्ली में यदि एमपी जा गए होते तो हमारे यहाँ की बात करते, लेकिन नेशनल पार्टीज के लोग हैं जो एमपी जाते हैं वो वहाँ कोई बात नहीं कर पाते क्योंकि उनके आका बहुत बड़े बड़े हैं, उनके सामने उनकी बात वो बात करने के लायक नहीं होते, उनकी बात को कोई समझता नहीं, महत्ता नहीं देता। लेकिन यदि हम जैसा दल यदि उत्तराखंड क्रांति दल के यदि 5 विधायक 5 MP वहां गए होते और 5 के 8 MP होते क्योंकि राज्यसभा से भी जाते तो 8 जो MP हमारे वहां उत्तराखंड के हितों की बात करते तो निश्चित रूप से हमें एक बेहतर यहाँ के लिए माहौल मिलता, हो सकता जो हमारी मांगे हैं वो भी पूरी होती, लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए हम जनता से आग्रह करते हैं कि कम से कम यहाँ पे उत्तराखंड में क्षेत्रीय दल को महत्व दें। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं अगर क्षेत्रीय दल होगा तो पहाड़ की जो जरूरतें हैं वो पहाड़ के लोगों के लोगों द्वारा ही कहीं ना कहीं बातचीत करके चर्चा करके निकाली जा सकती है और ये कोई अच्छा समाधान कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए हो सकता है। एक सवाल सर मेरा ये है कि हम देखते हैं कि अब बहुत सारी जो चीजें हैं अगर नीतियां सरकार द्वारा निकाली जाती हैं वो उन तक नहीं पहुंचती जिन तक पहुंचनी चाहिए, जबकि जो ऊंचे तबके के लोग हैं जो हायर क्लास सोसाइटी हम कहते हैं उन तक जो है पहुंच जाती है और उसका लाभ वो ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी हमें देखने को मिलती है। तो क्या सब कुछ सरकार के ऊपर डालना ठीक है? क्या सही मायनों में जागरूकता का कमी आपको देखने को नहीं मिलती जनता में? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता के प्रयास भी करते हैं लेकिन वो केवल फौरी तौर पर है। अभी कुछ दिन पहले जब जागरूकता की बात थी जो एक अलर्ट जारी हुआ था उसका आपदा का कि बारिश भयंकर बारिश होगी लगातार, तो मैं उस समय पहाड़ में ही था लेकिन वहां पर जो मशीनरी यहाँ की थी राज्य सरकार की वो काम नहीं कर रही थी। आपने अलर्ट जारी किया, आपने मीडिया में दिया और अलर्ट जारी हो गया, आपने जागरूकता मान लिया, उसको व्हाट्सएप पे भी चला, लेकिन जो वर्क है जिन पर इन्फोर्समेंट की ड्यूटी है जो उस चीज को कार्यान्वित करेंगे उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, स्टेज पर नहीं है। लेकिन हमें जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है लेकिन फौरी तौर पर नहीं, उसको गांव-गांव तक लेके जाए सरकार, जाए जो प्रचार केवल वो यहाँ बैनर बना के पोस्टर बना के या मीडिया में और अखबारों में दे देते हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने की व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि भाई हो रहा नहीं हो रहा, वो एक बार प्रचार हो जाता है बस वो ठीक है, यहाँ से जारी गाइडलाइन जारी होगी भाई आपदा आ गई तो हो गई बस इनने इतनी मान ली, भाई वहाँ SDM के थाना अध्यक्ष अपने जो कर्मचारी है वो क्या काम कर रहे हैं उसकी निगरानी नहीं हुई। तो मैं ये कहना है कि यदि आप कोई चीज योजना को लागू कर रहे हैं तो उसकी निगरानी भी हो, उसका पुनः परीक्षण हो कि वो ये काम हुआ या नहीं हुआ, ये चीज देखने लायक है। यदि जब ये सब कुछ होंगी तो पूरा काम भी होगा। सर 2022 विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं क्योंकि इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री तो उत्तराखंड ने देख लिए, लेकिन अब आगे ऐसा कुछ ना हो इसकी तैयारी जो है उत्तराखंड की जनता कर रही है। क्या लगता है किन मुद्दों पर जो है उत्तराखंड की जनता को प्रचंडता से सोचना चाहिए और वोट देना चाहिए? मैं तो जनता से आग्रह करूंगा कि इस बार क्षेत्रीय दल जो एक बेहतर आपके लिए जिसने राज्य निर्माण में बहुत भूमिका निभाई, आज राज्य उसी की एक सोच पर आधारित है या उसी की सोच पर बना है, आज UKD को यदि देंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर विकल्प हम देने को तैयार हैं। और भाजपा ने तो मुख्यमंत्री बदलने में बहुत बड़ी पारंगतता उनको हासिल है और मैं सोच समझ रहा था कि कहीं ऐसा ना कि 3-4 और बदल दिए जाए, कर शुक्र है कि वो नहीं हो पाया, नहीं हुआ ऐसा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्यों बदलेंगे,
एक अनुभवहीन आदमी को यदि आप बिठा देंगे इतने बड़े पद पर, तो ऐसी इसकी परिणति ऐसी होनी थी। मेरा तो निवेदन है आपके माध्यम से, यदि जनता को जहाँ तक मैसेज मिले कि एक क्षेत्रीय दल को जिसने संजोया है इस सत्य को, वही यहाँ के विकास को संवारेगा भी, यहाँ के राज्य को संवारेगा भी। ऐसे पार्टी को यदि आप देंगे जो क्षेत्रीय बात को समझेगा, क्षेत्रीय विकास की बात को कर पाएगा, या आपकी आवाज को, आपकी लड़ाई को लड़ेगा, ऐसे दल को आप यदि वोट देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ एक हम खुशहाल प्रदेश भी बना पाएंगे और सुनहरा भविष्य यहाँ के नवयुवकों का होगा। तमाम विधानसभाओं में सर आईपा की टीम गई और आईपा की टीम ने जानने की कोशिश करी कि क्या है उत्तराखंड का मिजाज, क्या चाहता है उत्तराखंड। हमें साफ तौर पे देखने को मिला कि जो युवा हैं उनके अंदर जागरूकता तो है, लेकिन सबसे बड़ी उनका जो मुख्य वजह है सरकार को वोट ना देने की, भाजपा सरकार को, वो है रोजगार ना देना। हम देख सकते हैं सर, स्वरोजगार की योजना जो है सरकार द्वारा चलाई जाती है, इन्वेस्टर समिट जैसी अटकलें जो है सरकार द्वारा चलाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं नामात्र ये चीजें रह जाती है। जो अधिकारी बैठे हैं उन तक मिलना, अगर आम जनता को उनसे मिलना है तो इतना बड़ा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मानो किसी भगवान से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेना हो। इसको कितना आप गलत मानते हैं? और साथ में अगर रोजगार की बात करी जाए तो रोजगार के लिए अगर कोई भी पार्टी आती है 2022 विधानसभा में, चाहे यूकेडी आए, चाहे कोई भी दल आता है, तो किस तरीके से उसे काम करना चाहिए? हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा कि हम आने वाले समय में, इन 5 वर्षों में, हम कम से कम 1 लाख लोगों को, बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार में नौकरियां हैं, आप उनको यूज नहीं कर पा, आपको आता ही नहीं काम कराना। हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 7,000 हमारे यहाँ पर बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग हैं, उन पर हम अपने लोगों को यहाँ पर रोजगार दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए नीति नहीं बना पाए ये जो दोनों पार्टियां हैं। जहाँ तक आपने बेरोजगार, यहाँ इन्वेस्टर समिट की बात आपने की, इन्वेस्टर समिट मात्र खोखला साबित हुआ, मात्र आपने कुछ कॉरपोरेट्स को यहाँ पर लाने की बात करी, उनके लिए आपने जमीन को, हमारे यहाँ भू कानून को बदल दिया, जिसके कारण से यहाँ हमारा पूरा उत्तराखंड बेच डाला, केवल उनको लाभ पहुंचाने के लिए, जो कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए ये काम किया गया। इन्वेस्टर समिट का आज भी धरातल पर कोई कंपनी यहाँ नहीं काम कर रही, आप आज देख लीजिए, एक बार या कभी आप उद्योग विभाग से बात करेंगे तो आज आप देखेंगे कि धरातल पर एक भी उद्योग नहीं आया इन्वेस्टर समिट के बाद। तो आप ये कल्पना बहुत बेकार है। और अच्छा, इनके पास नीति के अभाव है, इनके पास दृढ़ संकल्प के का अभाव है, वो काम ही नहीं कर पाए। जहां तक रोजगार की बात आपने की, युवा जो है उसको रोजगार की आवश्यकता है, आपके पास कोई नीति नहीं है, आप कुछ बना पे रहे, 4.5 साल बाद आपने जो रोजगार था भी उनको भी आप क्या, उससे क्या हुआ? देखिए, कई लोग जो ओवर एज होने वाले थे उनको मौका नहीं मिल पाया, वो लोग हट गए। आने वाले समय में भी अब नहीं लगता कि वो भर्ती हो पाएगी, तब तक नई सरकार आएगी, नई सरकार क्या करेगी। आपके पास एक दीर्घकालीन नीति होनी चाहिए कि आप कैसे कैसे अपने यहाँ जो रोजगार है उनको दें, किस ढंग से उनको यूटिलाइज करें, किस ढंग से उनको प्रशिक्षण दें कि वो यहाँ की जो हमारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स में भी कम से कम जो नौकरियां हैं उनके लायक हमारे युवा जो बेरोजगार हैं, पहाड़ के लोग हैं, उनको हम कैसे ट्रेंड कर सकें, वो व्यवस्था नहीं बना पाई सरकार है। इसलिए आक्रोश है और आक्रोश स्वाभाविक है। बिल्कुल सर, आईपा भी कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि समाज कल्याण के मुद्दों पर काम किया जाए। इसी से जुड़ा सर मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि समाज कल्याण के मुद्दों और राजनीति में किस तरीके से प्रगतिशीलता लाई जाए, इस पर आईपा लगातार काम करता है और प्रयासरत रहता है। इस प्रयास को किस तरीके से आप देखते हैं और अगर इस प्रयास के लिए आपका कोई मार्गदर्शन आईपा को मिलता? बहुत अच्छा प्रश्न किया है ये तो, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करेंगे। और आईपा जिस प्रकार की मुहिम चला रहा है, यदि इस मुहिम को आगे बल मिलता है और आप लोग और बेहतर करेंगे तो निश्चित रूप से इसका समाज पर इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और समाज और राजनीति को, दोनों को जोड़ के हम एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं, चाहे स्टेट का हो, चाहे देश का हो, चाहे मानव जाति के लिए हम काम कर सकें, तो बेहतर काम हो सकता है। आईपा का यह जो सुझाव है लोगों के बीच जाके बहुत अच्छा प्रयास है, और इस प्रकार के मूवमेंट होने चाहिए ताकि वास्तव में जनता समझ पाएगी, क्योंकि जनता को ये राजनीतिक दल अपने प्रोपेगेंडा से भ्रमित कर देते हैं। तो यदि आप जैसी संगठन यदि जनता में जागरूकता पैदा कर देगा तो निश्चित रूप से इसका लाभ समाज को, राज्य को, राष्ट्र को होगा।
हमारे साथ जुड़ने के लिए सर धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत सराहनीय प्रयास है और इसको आगे बढ़ाते रहे, और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में आपकी ये मुहिम काम आएगी और एक अच्छा विकल्प इस बार राजनीति में मिलेगा, देखने को मिलेगा। धन्यवाद।